Hello friends, welcome back to Car Energy with one more video of Honda City. Today is Honda City Day. एक Honda City यहाँ है और एक वहाँ है, और दोनों के अंदर मैं जो किट लगा रहा हूँ अलग अलग किट है। इसके अंदर मैं लवेटो EXR लगा रहा हूँ और उसके अंदर मैं मोटोजेन लगा रहा हूँ। तो इसके अंदर जो क्वालिटी है मेरा मेन, एक्चुअली Honda City लगवाने के लिए लोग आते हैं, जस्ट वो इसलिए नहीं क्योंकि हर एक जगह आपको डब्बा और सिलेंडर मिलेगा। यहाँ पे जो मैं Honda City के अंदर लगा के दे रहा हूँ, इसमें 10 सामान एक्स्ट्रा लगा के दे रहा हूँ जो किट के डब्बे में नहीं आता है। अब मैं एक एक करके दिखाता हूँ। मैं पहले तो मैं एक चीज़ दिखा दूँ, पहले जो इसके अंदर जो किट लगाई, अभी इसको फिट करूँगा। ये आपका स्टैटिक एडवांसर है, जो किट लगाया हमने लवेटो EXR, और ये फिलिंग वाल्व है, यहाँ से गैस फिल हो रही है, डायरेक्टली सिलेंडर पे जा रहा है। ये आपका ECM है, ब्रेन है, जो पूरा कंट्रोलर है, पूरी किट को कंट्रोल करता है। अब इसके अंदर जो रिड्यूसर है, डबल स्टेज का रिड्यूसर है, वाई बिकॉज BS6 में आपका सिंगल स्टेज का आता है लवेटो के अंदर, यहाँ आपका डबल स्टेज का रिड्यूसर है। यहाँ पीछे जो भी गैस आ रहा हाई प्रेशर में आ रहा, यहाँ रिड्यूस होके जितना इसको कमांड मिलता है उसी हिसाब से ये रिलीज़ हो रहा है। इसके अंदर ये इंजेक्टर है, यहाँ से आपका गैस फाइनली पंप हो रहा है आपके इंजन में। अब ये इंजेक्टर है। अब मेन जो काम जो आउट ऑफ द बॉक्स मैंने किया वो दिखाता हूँ। एक तो मैंने ईजियर वाल्व लगाया है यहाँ पे। ईजियर वाल्व इसलिए लगाना होता है जिस Honda City के अंदर 2013 मिड के बाद 2014 मॉडल से आपके गाड़ी में Honda में ईजियर देने लग गए। अब ईजियर में क्या होता है, हम यहाँ पे ये ईजियर वाल्व अगर नहीं लगाते हैं तो गाड़ी जो है जर्क लेगी। इसमें जो है मेरे को वैक्यूम जो है डिस्ट्रीब्यूट करना होता है मैनिफोल्ड में। अब देखो यहाँ से मैंने वैक्यूम यहाँ लिया, यहाँ दिया, और यहाँ से मैंने वैक्यूम को लेके मैंने यहाँ पे दिया है। तो इसको मैं मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है ताकि गाड़ी के अंदर जर्क ना रहे। दूसरा जो मैंने काम किया, इंजेक्टर्स का सारा कपलर टू कपलर वायरिंग है। तीसरा जो मैंने काम किया, कूलेंट कनेक्शन किया मैंने। रिड्यूसर पे आपका दो कूलेंट का पाइप लगा हुआ है। चौथा जो मैंने काम किया, गैस का फिल्टर तो खैर इसके अंदर आता ही है, ये रहा गैस का फिल्टर। और पांचवा जो मैंने काम किया इसके अंदर, आपके ECM से और एडवांसर से ये सारा एक स्पाइरल ट्यूबिंग में सारा वायरिंग दे दिया मैंने, ताकि कभी भी गाड़ी के हीट से वायर कभी आपस में चिपके नहीं। और छठा जो काम किया इसके अंदर, ये आपका एडवांसर लगाया। अभी इसको एक बार सेटिंग करूँगा फिर फिट करूँगा, एक बार गैस डलने जाएगी सेट करने के बाद फिर फिट करूँगा। नो नीड ऑफ डायनेमिक एडवांसर इन Honda City। अब छठा जो इसके अंदर काम किया है, आपका Honda फ्यूल करेक्शन रिले लगाया इसके अंदर, ये Honda फ्यूल करेक्शन रिले लगाया। अब इससे क्या है कि आपको एग्जैक्ट पेट्रोल पता लगेगा। ये रिले एक्चुअली मेड इन इटली है, आप इसका बैक साइड में देखेंगे लिखा हुआ है दिस इज़ मेड इन इटली। अब ये बेसिकली क्या है कि Honda की गाड़ियों में क्या होता है कि आपका जो फ्यूल इंडिकेशन देता है ऊपर, जो फ्यूल इंडिकेशन ऊपर दे रहा है आपके डैशबोर्ड पे, ये बेसिकली वायर आपका टायर के साथ कनेक्टेड है। अब गाड़ी घूम रहा है CNG पे, वो सेंस नहीं करता, वो बार बार पेट्रोल आपका कम होगा, लेकिन ये रिले लगने के बाद आपको एग्जैक्ट पेट्रोल पता लगेगा। जब भी आप गाड़ी पेट्रोल पे करेंगे पेट्रोल एग्जैक्ट बताएगी, और जब भी गाड़ी CNG पे करेंगे ये कट ऑफ हो जाएगा। ये है आपका सातवा काम। अब पीछे आते हैं, तीन काम पीछे है आपके बूट में दिखाता हूँ। इसके अंदर जो स्टैंड लगाया हमने, मोल्डेड आपका पाइप स्टैंड है, आपका नट बोल्ट TVS कंपनी का नाइलोलॉक नट बोल्ट है, और इसमें जो स्टैंड है रबर ग्रिप के साथ है, ठीक है। और डक्टिंग मैं अभी कर रहा हूँ, मैं अभी ये फिटिंग हो रहा है, पीछे का काम हो रहा है, डक्ट फिट करूँगा मैं। एक चीज़ और लगाया हूँ इसके अंदर, मैं साइड फिलिंग वाल लगाया हूँ मेड इन जर्मनी, एक बार दिखाता हूँ मैं। ये आपका साइड फिलिंग वाल्व है। देखो नॉर्मली क्या है कि हम इससे पहले जो वाल लगाते थे वो चाइनीज़ वाल्व होता था, और मैं बहुत कम वाल लगाता था, कारण कि वो चाइनीज़ वाल्व ज़्यादा चलता नहीं था, 2-4-6 महीने में ही लीक कर जाता था, तो आई टू इंस्टॉल वेरी लेस। बट लेकिन जब से ये वाल्व मेरे पास आया है, ये सेम वही वाल्व है जो कंपनी फिटेड के अंदर आता है मारुति के अंदर, और सेम वही वाल्व इसके अंदर हमने लगा के दिया। अब ये पूरे लाइफ चलेगी, कहीं नहीं जाएगा, ठीक है।
अब इसके अंदर जो सिलेंडर लगाया हमने 14 केजी का सिलेंडर लगाया, दिस सिलेंडर इज 14 केजी एंड सी द स्पेस आफ्टर पुटिंग 14 केजी ऑल्सो आपको पूरा स्पेस मिल रहा है। एक और होंडा सिटी है यहाँ पे, इसको भी मैं इसमें कवर कर रहा हूँ। मैं इसके अंदर जो सिलेंडर लगा रहा हूँ मैं 12 केजी का लगा रहा हूँ, इसका आगे का काम काफ़ी हो गया। मैं एक बार दिखा देता हूँ, मैं इसमें जो किट लगा रहे हैं हम, दिस इज ऑल्सो दिल्ली नंबर, इसमें जो किट लगा रहे हैं मोटोजेन की किट लगा रहे हैं, इसमें जो हमने लगाया है दिस इज़ लवेटो EXR और इसके अंदर लगा रहे हैं मोटोजेन। ये आपका इंजेक्टर है, ये फिलिंग वाल्व है, ये रिड्यूसर है और इसके अंदर भी वो 10 काम कर रहा हूँ। जैसे आपका EZR का फिटिंग हो रहा है, अभी इसके अंदर पाइप का कनेक्शन करूँगा, होंडा का रिले लगेगा, कपलर टू कपलर वायरिंग होगा, आपका कूलेंट कनेक्शन लगा ही दिया है, आपका स्पाइरल ट्यूब में सारा स्लीविंग कर रहा है, ये सारा स्पाइरल ट्यूबिंग में हो रहा है, सारा काम हो जाएगा। मतलब सेम वही क्वालिटी है, अगेन एंड अगेन वी आर गिविंग द सेम क्वालिटी टू ईच एंड एवरी कार। ऐसा नहीं है कि मैं इस होंडा सिटी के अंदर जो काम किया हूँ इसमें नहीं करूँगा, केवल ब्रांड का अंतर है। इन्होंने चूज़ किया मोटोजेन अकॉर्डिंग टू देयर बजट, इन्होंने चूज़ किया लवेटो अकॉर्डिंग टू हिज बजट, लेकिन जो 10 सामान एक्स्ट्रा लगना है वो लगेगा ही लगेगा। मज़ा आएगा इन दोनों भाई को होंडा सिटी के अंदर। पहले मैं आपको सबको बता दूं, मैं होंडा सिटी के अंदर CNG ज़बरदस्त कामयाब है। गाड़ी की पिकअप इन स्टैटिक एडवांसर ओनली, नो नीड ऑफ डायनेमिक एडवांसर, स्टैटिक एडवांसर में ही गाड़ी का मज़ा वही है जो पेट्रोल के अंदर है। मज़ा आएगा पिकअप के अंदर। और एवरेज सबसे अच्छी बात है, इन गाड़ियों में एवरेज बहुत अच्छा है। लोकल के अंदर ये 18 की एवरेज दे देती है आराम से, और हाईवे में 25 प्लस की एवरेज है। मज़ा आएगा, तब चलते हैं एक बार CNG डलवाते हैं और एक बार ट्रायल लेते हैं, देखते हैं कैसी चलती है। सो हियर वी गो विद द फिलिंग इन द होंडा सिटी एंड दिस कार हैज कम ऑल द वे फ्रॉम HP हिमाचल प्रदेश। और इसमें जो मैंने NGV वाल लगाया, मैंने ये साइड फिलिंग वाल लगाया, ये मेड इन जर्मनी कंपनी फिटेड मारुति के अंदर जो वाल्व आता है सेम वही वाल लगाया। और इसमें एक बार फिलिंग हो जाए, इसमें जो सिलेंडर लगाया हमने 14 केजी का सिलेंडर लगाया, और एक बार फिलिंग हो जाने दो, देखते हैं गैस कितनी आती है। 8 किलो क्रॉस कर चुका है और लगभग 14 केजी के सिलेंडर में 8.5-9 आते हैं और 12 केजी में 8-8.5 आता है। अब देखते हैं इसमें कितनी गैस आ रही है। और सबसे मेन इसका जो अट्रैक्शन है ये है NGV वाल्व, जो साइड फिलिंग वाल्व मेड इन जर्मनी मैंने लगाया, और ये आराम से ये वाल्व पूरे लाइफ चलेगा। इससे पहले जो वाल्व लगता था वो चाइनीज़ वाल्व लगता था, वो नहीं चल पाता था ज़्यादा। और इसमें जो गैस आई है 9 किलो 200 ग्राम, ठीक है। अब इसमें और कई गाड़ियाँ यहाँ खड़ी है, एक तो ये गाड़ी खड़ी है, इसमें हमने किट लगाई, अभी ये गैस डलेगी इसमें। एक बार गाड़ी आगे कर लेना, एक गाड़ी ये लगाई है हमने DL9CAT8810i20, इसके अंदर क्वालिटी ज़बरदस्त दे रखा है हमने। इसमें जो सिलेंडर लगाया हमने 12 केजी का सिलेंडर लगाया, एंड जो किट है मोटोजेन BS6, ये 4 इंजेक्टर कार है, तो इसमें जो किट लगाया हमने 4 इंजेक्टर लगाया। अगर 8 इंजेक्टर गाड़ी होती तो 8 इंजेक्टर लगाते हैं। बढ़िया सॉलिड फिटिंग हो रखा है। और एक और गाड़ी है ये सामने, ये भाई साहब सेटिंग कर रहे हैं बलिनो, ये गाड़ी मेरे पास UP 12, ये गाड़ी मेरे पास जो है, ये कहाँ का नंबर है भैया? मुजफ्फरनगर। ये मुजफ्फरनगर से गाड़ी आई है CNG लगने के लिए। और एक बार भाई साहब सेटिंग कर रहे हैं। इन द मीन वाइल आई जस्ट गिव यू अ स्मॉल वॉक अराउंड ऑफ दिस बलिनो BS6, दिस इज 4 इंजेक्टर कार, और इसमें जो किट लगाया हमने लवेटो स्मार्ट 2 लगाया BS6। द क्वालिटी ऑफ द फिटिंग इज़ अल्टीमेट। इसमें जो आपका रिड्यूसर है, आपका सिंगल स्टेज रिड्यूसर है, ये फिलिंग वाल्व है, यहाँ से गैस फिल हो रही है। एक मैंने इसके अंदर साइड फिलिंग वाल्व भी लगाया हूँ, NGV वाल्व मेड इन जर्मनी, जो मारुति में कंपनी फिटेड में आता है, वो भी आपको दिखाऊँगा। इन द मीन वाइल एक थोड़ा सा वॉक अराउंड देता हूँ। ये लवेटो का गैस फिल्टर आता है लवेटो में, और ये इंजेक्टर है जहाँ से गैस फाइनली पम्प हो रहा है लवेटो का है। लवेटो इज़ द किट विच इज़ कम्प्लीट इम्पोर्टेड। और इसके अंदर जो एक्स्ट्रा जो काम किया हूँ मैं, एक तो आपका कपलर टू कपलर वायरिंग किया हूँ मैं, सारा सॉकेट टू सॉकेट है। दूसरा इसके अंदर मैंने डायनेमिक एडवांसर लगाया, मैंने
ये डायनेमिक एडवांसर लगने के बाद भाई साहब मज़ा आ जाएगा, इनको फील ही नहीं होगा गाड़ी पेट्रोल पे या सीएनजी पे। दिस कार इज़ गोइंग टू रन बेटर देन पेट्रोल। और जो वायरिंग किया हमने आपके एडवांसर और ईसीएम से, ये सारा एक स्पाइरल ट्यूब में दे रखा है सारा। ये आराम से पूरे लाइफ गाड़ी चलेगी, इसका वायरिंग कहीं नहीं बिगड़ेगा, मज़ा आएगा इनको। और कूलेंट कनेक्शन किया हमने, जो क्वालिटी है हमारा वो सब कुछ किया हमने। इसके अंदर जो सिलेंडर लगाया हमने, 12 केजी का सिलेंडर लगाया, एक बार दिखाता हूँ मैं सिलेंडर एक बार। इसमें 12 केजी का सिलेंडर लगाया, जस्ट सी द स्पेस, मोर देन 50% ऑफ द स्पेस इज अवेलेबल। स्टेपनी नीचे आराम से निकलेगा। जो स्टैंड है अपना रबर ग्रिप मोल्डेड पाइप स्टैंड, जो स्टैंड का क्वालिटी है आप ये देखो, ये चौड़ी शीट में है, मतलब ये पूरे लाइफ कहीं नहीं जाएगा। आराम से देखो आप, चौड़ी शीट में दोनों तरफ। आओ मैं एनजीवी वाल दिखाता हूँ, मैं मज़ा आ जाएगा। ये आपके वाल्व है, दिस इज़ मेड इन जर्मनी। ये सेम वही वाल्व है जो मारुति में कंपनी फिटिंग में आता है, दिस इज़ मेड इन जर्मनी। मज़ा आएगा इनको, कभी भी बोनेट खोलने की ज़रूरत नहीं है, साइड से अपना फीलिंग होता रहेगा, सॉलिड फिटिंग। अब इस गाड़ी का मैं रिव्यू ले नहीं पाऊँगा क्योंकि भाई साहब है योगेश जी सेटिंग कर रहे हैं और वही कस्टमर को ट्रायल दे के गाड़ी डिलीवर कर देंगे। बाकी जिस गाड़ी में मैं सेटिंग करता हूँ आई विल टेक द रिव्यू। आओ सो दिस इज़ होंडा सिटी BS4 एंड द कार इज कम ऑल द वे फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। और ये जो गाड़ी है दिस इज़ AMT। एक बार कैमरा सामने ले आना, दिस इज़ AMT एंड द कार इज़ रनिंग फ्लॉलेस। मतलब इसमें जो किट लगाया हमने, लवेटो की किट लगाई है, और ये मेरे ख्याल से भैया के तीसरी गाड़ी है जो इसमें, चौथी गाड़ी है जिसमें किट लगाया हमने। भैया से पूछते हैं, लेट तो काफ़ी हो गया, आई एम वेरी सॉरी फॉर डैट। फिटिंग और गाड़ी कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है भैया, मतलब बहुत बढ़िया गाड़ी। जैसे गियर चेंज भी हो रहा है बिना जर? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया फिटिंग है। और जो काम जो कर रहे थे वो भी काफ़ी अच्छे हैं बंदे, बातचीत करने में भी, और काम भी उनका रेगुलर अपना चला है, ऐसा नहीं है कि वेटिंग ज़्यादा करवाई हो। बट मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में, मतलब वही फील हो रहा है, फील आ रहा है पेट्रोल के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। जिससे पहले जो तीन गाड़ी लगाई वो कौन कौन सी गाड़ी थी? वो मेरी एक स्विफ्ट थी और एमियो थी, और मेरी जो सबसे पहले जब मैंने लगवाई थी आपसे वो मैंने वरना में लगवाई थी। वो तीनों गाड़ी भी आपको सही रहा? हाँ जी बिल्कुल। रियली ये बहुत लोग कहते हैं कि भाई लॉन्ग टर्म रिव्यू नहीं लेते, इसको लॉन्ग टर्म ही आप समझो। तीन गाड़ी बढ़िया चली तो चौथी आई है, एंड रियली भाई साहब होंडा सिटी जैसी गाड़ी नहीं है CNG पर। और ये आपका ऑटोमेटिक गियर है और फ्लॉलेस चल रहा है, फ्लॉलेस, पता नहीं लग रहा बिल्कुल। चलो भैया मज़ा है, बिल्कुल भैया बिल्कुल मज़ा, थैंक यू। चलो इस तरह का वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू।